कोई अगर आपकी निंदा करता है और पीठ पीछे बात करता है तो वो आपको नहीं बल्कि वो खुद कैसा है ये दर्शाता है। तो अगर कोई कुछ बोलता है तो उन्हें बात करने दीजिए। जिनके पास कुछ काम नहीं होता करने को वही इंसान ये करता है। सबसे पहले तो आपको ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि हम अच्छे हैं या नहीं ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो किसी और के सामने नहीं बल्कि खुद की नजरों में अच्छा बनो। हमें सिर्फ ऊपर वाले को जवाब देना है तो उनकी नजरों में अच्छा बनो। बाकी लोगों का क्या है, उनके मूड और जरूरत के हिसाब से आप कभी अच्छे तो कभी बुरे रहोगे। खुद पर विश्वास रखिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, और अगर अच्छा ना सोच सके तो कम से कम बुरा तो बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपको किसी की बात और किसी के व्यवहार से बुरा लगता है तो आप भी सामने उन जैसा बिल्कुल मत बनना, क्योंकि फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अपने आप को खुश रखना सीखो, किसी और से उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि उम्मीद टूटने पर हम उदास हो जाते हैं और कोई मनाने आएगा ये दूसरी उम्मीद जन्म लेती है। तो अगर आपका मूड खराब है तो आपको जिस चीज से खुशी मिलती है, जैसे कि गाना सुनना, मूवीज देखना, रीडिंग करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी अपने या बेस्ट फ्रेंड से फोन पे बात करना, जो भी आपका मूड ठीक करता हो आप वो करें और खुद का मूड खुद ठीक करें। अपने मन की शांति नष्ट करने का किसी को अधिकार मत दीजिए। अपनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए।